अच्छा, आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस होंगे पाकिस्तान में या नहीं होंगे? अच्छा सुंदर, इस पे मेरी दो राय है। एक जो राय है वो आईनी राय है, इखलाकी राय है, और एक राय है हकीकत पे मबनी। पहले मैं आईनी राय की तरफ आता हूँ। देखें, आईने पाकिस्तान मुकदम है, आईने पाकिस्तान हमारे हम सब के लिए बहुत मुकदम है, और आईने पाकिस्तान के मुताबिक हर हाल में 2023 अक्टूबर में इलेक्शंस को होना है, ये आईने पाकिस्तान कहता है। और जिस तरह इस हुकूमत ने सूबाई इलेक्शंस में 90 दिन के बाद इंतखाबात करने थे और आपने देखा कि किस तरह आईन की आईन शिकनी की गई, मैं इसी तरह खुदा ना खास्ता अगर जनरल इलेक्शंस की जो डेट है जो कि अक्टूबर में आ रही है, अगर खुदा ना खास्ता उसके साथ भी ऐसा होता है, तो एक दफ़ा फिर मैं ये मानूंगा कि आईन को एक दफ़ा फिर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। लेकिन अब मैं बात करता हूँ हकीकत पे, हकीकती बुनियाद क्या है, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है। तो सुंदर, इस वक्त मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान किसी भी तौर पे इलेक्शंस का मुतहमल नहीं है। ये मैं बड़ी बड़ी बात कर रहा हूँ, मैं आईन के ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं माजरत हुआ हूँ, बट मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे पाकिस्तानी की हैसियत से कि इस वक्त पाकिस्तान इस एच पे नहीं है कि वो इलेक्शंस करवा सके। और उसकी वजह क्या है? जो पोलराइजेशन इस वक्त पाकिस्तान के अंदर शामिल हो चुकी है, जो नफ़रत पाकिस्तान के अंदर शामिल हो चुकी है, जो अदम बर्दाश्त की इन्वायरमेंट पाकिस्तान के अंदर शामिल हो चुकी है, इदारों पे ट्रस्ट ख़त्म हो चुका है, इदारे आपस में एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, इदारों के अंदर डिस्प्यूट पैदा होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर डिस्प्यूट पैदा होते हैं। इस पोलराइजेशन के अंदर फ्री एंड फेयर शफाफ इंतखाबात एक अफसानवी कहानी है, ये असल में होने नहीं जाने लगे। अगर आज इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाती है और अक्टूबर में इलेक्शन हो जाते हैं, तो मुझे ख़तरा है कि ये खूनी इलेक्शन होगा। मुझे ख़तरा है इस बात का कि इसमें इतनी बदमजगी होगी, इतनी ज़्यादा इसमें प्रॉब्लम्स आ जाएंगी कि इलेक्शंस के फौरन बाद कोई भी पार्टी नतीजे तस्लीम करने को तैयारी नहीं होगी, कोई पार्टी भी नतीजे को तस्लीम नहीं करेगी, और हर पार्टी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खड़ी होगी, पीटीआई इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खड़ी होगी, पीपल्स पार्टी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खड़ी होगी, नून लीग इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खड़ी होगी, जो जीतेगी वो भी इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खड़ी होगी। क्या होगा कि जिनको इंसाफ मिल रहा है वो तो खुश होंगे, और जिनको इंसाफ नहीं मिल रहा वो रोडों पे आ रहे होंगे, वो धरने कर रहे होंगे, वो लॉन्ग मार्चेस कर रहे होंगे, आवाम जो है बेहाल हो रही होगी, महंगाई बढ़ रही होगी। आपको पता है अभी तक हमारा IMF के साथ मुआहदा नहीं हुआ, पाकिस्तान डिफॉल्ट लाइन के ऊपर आ गया है। अगर मुहैदा नहीं होता खुदा ना खास्ता और इलेक्शंस आप कंडक्ट करवा लेते हैं, आप 12 अरब रुपए लगा देते हैं और उसके बाद एक खूनी इनकलाब आ जाता है पाकिस्तान के अंदर, एक खूनी इलेक्शन खुदा ना खास्ता हो जाता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी इस रिज़ल्ट को मानेगी? जनरल ज़िया से किसी ने पूछा कि सर इलेक्शंस कब होंगे, तो जनरल ज़िया ने एक अदा किया, उन्होंने कहा कि व्हेन टाइम विल बी फेवरेबल। अब ये शायद वो अपने लिए कह रहे थे, लेकिन टाइम फेवरेबल होना चाहिए, ये बात सच है। आज टाइम फेवरेबल नहीं है, आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी इदारे पे ट्रस्ट नहीं करती। आप देख रहे हैं कि अदलिया के अंदर डिवीजन है, आप देख रहे हैं कि ECP के अंदर डिवीजन आ चुकी है, आप देख रहे हैं कि इदारों के अंदर डिवीजन्स आ गई हैं, फौज के अंदर जो है वो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं कर रही हैं। ऐसे में आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं दे सकते। मेरा जाती एक एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मेरा जाती ओपिनियन ये है कि अगस्त में आपकी टर्म जब एंड होगी तो पार्लियामेंट को डिसॉल्व हो जाना चाहिए, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने घरों को जाएं, एक केयर टेकर सेटअप आए जो कि कम से कम 1.5 साल तक अपने आप को लेके चले, जो कि गैर आइनी बात ज़रूर है, आप इसको नेशनल गवर्नमेंट में टर्न कर सकते हैं, इनको टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट के अंदर टर्न कर सकते हैं, लेकिन 2025 से पहले, मेरी बात आज आप नोट कर लें, 2025 से पहले पाकिस्तान किसी भी तौर पे मुतामिल नहीं है इलेक्शंस का। 2025 तक इन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वक्त मिल जाएगा कि ये अपने अपने गिरे हुए ग्राफ को उठा सकें, अपनी लो पॉपुलैरिटी को वापस हाई पे लेके जा सके, ये इन्हें टाइम मिल जाएगा, इनके फ़ायदे में है ये बात। मैंने पहले कहा कि आईनी तौर पे तो ये हक में बेहतर नहीं है, आईने पाकिस्तान मुतासर होगा, लेकिन पाकिस्तान के हक में ऑन ग्राउंड शायद यही बेहतर है कि इस वक्त फौरी इलेक्शंस की तरफ आप लोग ना जाएं। देखिए, PTI को से कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए सुंदर, इसमें कोई शक नहीं है, खान साहब बहुत पॉपुलर लीडर हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी हैं, जारी बात है, वो पॉलिटिशियन थे ही नहीं, वो एक स्टार थे, तो उनकी एक फ़ैन फॉलोइंग है, इसमें कोई शक नहीं है, मैं इसको मानता हूँ कि उनकी बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। बट देखें, इलेक्शन जीते जाते हैं इलेक्टेबल्स के थ्रू,
आपका फैन फैन जाके नहीं बैठता पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में बैठता है आपका इलेक्टेबल, ठीक है, आपका नुमाइंदा जो कौमी टिकट पे खड़ा होता है। खान साहब अगर किसी को भी टिकट पकड़ा दे, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं होगा ऑन ग्राउंड कि वो इलेक्शन कंटेस्ट भी करे और उसको जीते भी, ठीक है जी। खान साहब खुद तो कर सकेंगे लेकिन शायद खान साहब इस काबिल ना हो उस वक्त, क्योंकि जो हालात इस वक्त खान साहब के लिए हैं, शायद खान साहब अवेलेबल ना हो, शायद वो जेलों में हो, ऐसा लग रहा है मुझे फ़िलहाल। अब तक की जो नज़ारे हैं उसमें ऐसा महसूस होता है, अल्लाह ना करे, लेकिन कुछ ऐसे नज़ारे आ रहे हैं हमारे पास, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आ रही हैं जिसमें हमें नहीं लगता कि खान साहब मौके पर मौजूद होंगे। और इसकी एक एक क्लियर एविडेंस आपने देखा कि खान साहब ने अपनी मौजूदगी में शाह महमूद कुरैशी साहब को अपना जानशीन मुकर्रर कर दिया गया है और उन्होंने कहा है कि मेरे बाद ये टेक ओवर करेंगी। उनको ये कहना क्यों पड़ा? उन्हें ये इसलिए कहना पड़ा कि उन्हें भी नज़र आ रहा है कि शायद वो इलेक्शन में ना हों। जब खान साहब खुद इलेक्शन में नहीं होंगे तो पीछे कोई भी खड़ा हो शाह महमूद कुरैशी को कोई नहीं जानेगा, ना शाह महमूद कुरैशी के नाम पर कोई आएगा, ठीक है जी। तो और वो जो 100-150 इलेक्टेबल्स थे वो तो वैसे ही नहीं है। तो ये कोई तीसरी चौथे नंबर की जमात बन रही है इस वक्त पार्लियामेंट के अंदर, अगर आप पार्लियामेंट की नंबर्स को देखें तो, क्योंकि तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे मुझे नज़र आ रही है। तो खान साहब को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि खान साहब खुद कह रहे हैं कि जब तक मुझे क्लीन स्वीप नहीं मिलेगा मैं इस इलेक्शन को नहीं मानूंगा। तो जाहिर सी बात है खान साहब ने तो वैसे ही कह दिया कि मैं इसको नहीं मानूंगा। ऐसे हालात में आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का वादा नहीं कर सकते कौम से। कौम के 12 अरब रुपये लगने हैं, कौम के 12 अरब रुपए लगने हैं और फिर भी आपको लाशें मिलें खुदा ना खास्ता और आपको फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना मिलें और आप इलेक्शन ट्रिब्यूनल में खड़े हों, तो इससे कौम को नुकसान है, कौम का फ़ायदा नहीं है। इस वक्त हम इकोनॉमिकल क्राइसिस में हैं, हमें अपनी इकनॉमी को दुरुस्त करना है, उसके लिए हमें कम अज़ कम एक 1.5 साल चाहिए। 2025 से पहले मैं नहीं समझता कि खान साहब के पास या किसी भी लीडर के पास कोई, क्योंकि नून लीग अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, JUI अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुकी है, खान साहब 9 मई के बाद पूरी तरह से बैकफुट में हैं, ठीक है जी। इस सूरत में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को टाइम चाहिए कि वो अपना वोट बैंक दोबारा से क्रिएट करें, एक नए नैरेटिव के साथ, एक नए जज्बे के साथ मार्केट में आएं। उसके लिए अगर 1.5 साल की टेक्नोक्रेट हुकूमत आ भी जाती है और पाकिस्तान 2025 में इलेक्शन की तरफ जाता भी है तो आइनी तौर पे तो ये शिकस्त होगी, मगर एज अ कौम हम शायद जीत जाएं।